हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं, दो अंडे और एक कटे हुए प्याज और कटी हुई थोड़ी सी मिर्ची और एक कटे हुए कोथमीर, कटे हुए टमाटर और इस पेपर से एक जबरदस्त रेसिपी आप बना सकते हैं। तो ये रहा वेफर। इस वेफर को हम किनारे किनारे कैची से कट करके इसकी हवा निकाल देंगे। हम इस तरह से हवा निकल चुका। अब हम इसको थोड़ा से इस तरह से लोटे से मार मार के मतलब पेपर को तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी कटे हुए प्याज डाल देंगे और कुछ कटे हुए मिर्ची, फिर कोथमीर और कटे हुए टमाटर टमाटर डाल देंगे। फिर उसके बाद हम उसमें डाल देंगे एक और अंडे फोर के। नहीं, सबसे पहले हम मसाला डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इसमें मतलब नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। अब हम उसमें अंडा फोड़ के डाल देंगे। हमने यहाँ पे दो अंडा फोड़े हैं। आप अपने आपकी मर्जी अपने कितने भी डाल सकते हैं। हमारा ये 10 रुपए वाला वेफर था, इसलिए हमने दो अंडा डाला। अब फिर हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, यानी हिलाएंगे ताकि ये सब मिक्स हो जाए। फिर एक टोप में हम इसको धागे से बांध के, आपको चाहिए तो आप आग में भी इसे इसको कर सकते हो। पैक हमने धागे से बांध के। तो चलिए देखते हैं हमारी रेसिपी बनी कि नहीं बनी। ये तो बन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि गैस को हमने बंद कर दिया है और हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। निकालने के बाद हम इसको रख देंगे यहाँ पे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे हमारा एकदम ठंडा होके रेडी हो चुका है। अभी मम्मी हमें इसको निकाल रही है। आप देख सकते हो एकदम समोसे जैसा लग रहा है, पर है नहीं, चिप्स ऑमलेट है, जो नया रेसिपी हमने ट्राई किया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट में बताना कि कैसा लगा। अभी हमें इसको सर्कल शेप में काटना है। आपको जैसा चाहिए आप वैसा काट सकते हो। तो मम्मी ने अभी कर रही है प्लेटिंग और उसके ऊपर से मम्मी डालेगी चीज़। आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं डाल सकते हो, पर हमने थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए चीज़ डाला और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था चीज़ डालने से। तो चीज़ डाला और उसके बाद ऊपर से हमने मेयोनीज डाला। आपको चाहिए तो सेजवान भी डाल सकते हो। तो हमने सेजवान चटनी भी लिया और दो ब्रेड लिया मुझे खाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।